नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में ई लाइब्रेरी बनकर हुई तैयार, जल्द ही बनेगा बिहार में एक्सप्रेस वे। बिहार में कोरोना के आए रिकॉर्ड तोड़ मामले, खुदाबख्श लाइब्रेरी के टूटने पर लगी रोक। कोरोना वेव के बीच बिहार में हीट वेव की बड़ी संभावना। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ई लाइब्रेरी बनकर हुई तैयार, कोरोना के माहौल में स्कूल और शिक्षण संस्थान अब इंटरनेट पर आ गए हैं, जिसके बाद ही छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ई लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी विषय को समझने के लिए अब किसी भी छात्र को यूट्यूब या गूगल का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सारी किताबें ई लाइब्रेरी में क्लिक करने के मात्र से ही आसानी से मिल जाएगी। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा तैयार ई लाइब्रेरी में बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं के सिलेबस के अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी को तैयार किया है। इसके साथ ही इस लाइब्रेरी की एक और खासियत ये रहेगी कि इसका लिंक आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, जिसका फायदा छात्र रेफरेंस के तौर पर उठा सकते हैं। बिहार में कोरोना के आए रिकॉर्ड तोड़ मामले, बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 3,756 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,695 हो चुकी है। राज्य में बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 90,751 सैंपल की कोरोना जाँच की गई है। अब तक कुल 2,45,69,965 सैंपलों की जाँच हुई है। टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 1,382 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, भागलपुर में 302, गया में 290, मुजफ्फरपुर में 191 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में बीते 24 घंटे में 1,053 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,66,923 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 94.24% पर पहुंच गया है। जल्द ही बनेगा बिहार में एक्सप्रेसवे। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद 190 किलोमीटर लंबे आमास दरभंगा एक्सप्रेसवे को NH का दर्जा मिल गया है, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण से लेकर पैकेज की चर्चा शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7,700 करोड़ रुपए की लागत से 5 पैकेज में बनने वाली यह बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, जो पूरी तरह ग्रीन फील्ड होगी। इसके बन जाने के बाद बिहार के बड़े हिस्से से 4 घंटे में राजधानी पटना पहुंचना संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे वर्तमान समय में मौजूद हैं, जिसके बाद बिहार में देरी से ही सही लेकिन एक्सप्रेसवे के जाल को बिछाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 5 फेज में इसे बनाएगा। इस पर 7,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना वेव के बीच बिहार में हीट वेव की बड़ी संभावना। बिहार में कोरोना की स्थिति जहां भयावह होती जा रही है, वहीं अब बिहार में मौसम भी अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के 14 जिलों में हीट वेव की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गर्म पछुआ की वजह से लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक ऊपर रहेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे उल्का गुप्ता की। उल्का गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1997 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उल्का गुप्ता एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह GTV डेली सोप झांसी की रानी में मनु यानी कि युवा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाते हुए मनु के नाम से लोकप्रिय हैं, और बाद में उल्का ने काली के साथ उसी शो में दोबारा एंट्री की। उनकी पहली फिल्म एक टॉलीवुड फिल्म आंध्रा पोरी है, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार प्रशांति की भूमिका निभाई है। उल्का गुप्ता ने 2015 की तेलुगु फिल्म रुद्रमा देवी में भी काम किया है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के टूटने पर लगी रोक। अशोक राजपथ में प्रस्तावित डबल डेकर एलिवेटेड रोड के लिए कई दिनों से 130 साल पुराने खुदाबख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से को तोड़ने की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर अब पथ निर्माण विभाग की तरफ से प्रतिक्रिया साझा की गई है, जिसके तहत अब विभाग ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में एलिवेटेड रोड के लिए लाइब्रेरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ज्ञात हो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार लाइब्रेरी के टूटने की बात कहते आ रहे थे, लेकिन अब विभाग ने यह साफ कर दिया है कि PMCH से NIT मोड़ तक अशोक राजपथ पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के कारण ऐतिहासिक खुदाबख्श लाइब्रेरी को नहीं तोड़ा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि ऐतिहासिक खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के एक हिस्से को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार का फैसला निंदनीय है।
बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए राशि को मिली मंजूरी। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया को तेज किए जाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद अब इथेनॉल उत्पादन में लगने वाली राशि के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। बिहार सरकार की नई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति निवेशकों को लुभाने लगी है। यही कारण है कि सरकार को मिलने वाले करीब 3 दर्जन निवेश प्रस्तावों में से कई जमीन पर उतरने लगे हैं, जिसकी शुरुआत मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज से होने जा रही है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने इन 3 जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने के 3 निवेश प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दी है। इन 3 निवेश प्रस्तावों से बिहार में लगभग 650 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही अब रोजगार के तमाम नए अवसर को भी सृजित किया जाएगा। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना। गया और भागलपुर से एक नई हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है। इससे नई दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी, जिसके बाद अब यह ट्रेन झारखंड के गोड्डा से बिहार के रास्ते यूपी होते हुए दिल्ली तक जाएगी। जिसके बाद अब यह ट्रेन किउल, भागलपुर, नवादा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर के रास्ते दिल्ली तक चलेगी। इसके साथ ही नई दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए चलने वाली इस साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस में आरक्षण की सुविधा शुरू हो गई है, जिसके बाद अब 19 अप्रैल से हर सोमवार इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बिहार की इस बेटी ने साउथ की फिल्मों में पाया रोल। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समय समय पर बिहार में प्रतिभाओं ने अपना नाम रोशन किया है। इस क्रम में अब बिहार की एक और बेटी ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव से निकली संचिता बसु यादव ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय किया है, जो कि एक गांव की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। खबरों की माने तो संचिता बसु यादव साउथ फिल्म से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत मुख्य अभिनेत्री के रूप में करने वाली है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर डांस की वीडियो पोस्ट कर नाम बनाया है और अब तक उनके 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस खबर को सुनने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार विकास मिशन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बैठक। पिछले साल अगस्त महीने के बाद बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल्द ही होने वाली है, जहां पर 7 निश्चय योजना और कृषि रोड मैप की समीक्षा होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विकास मिशन की स्थापना 2016 में की गई थी। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन के कार्यक्रम की लगातार समीक्षा करते रहे हैं। 2015 में सरकार ने 7 निश्चय योजना को अडॉप्ट किया था और उसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार शासी निकाय की बैठक कर समीक्षा करते रहे हैं। ज्ञात हो कि आयोजित इस बैठक में मानसून से पहले सरकार कई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। लालू प्रसाद यादव मामले में सीबीआई ने भेजा अपना जवाब। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मामले में सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना जवाब देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई का कहना है कि विशेष अदालत सीबीआई कोर्ट रांची ने लालू यादव को अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में आधी सजा काटने का मतलब 7 साल की सजा पूरी करने के बाद ही यह मान्य होगी। इस लिहाज से लालू प्रसाद को जमानत नहीं दी जा सकती है, जिसके बाद लालू यादव की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। करनी सेना को लेकर पप्पू यादव ने कही बड़ी बात। मधुबनी में होली के दिन हुए वाकया को लेकर करनी सेना ने बवाल मचाया है। इसको लेकर ही पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार और विपक्ष बिहार को नफरत की आग में डालने का काम कर रही है। मधुबनी में जो हुआ उसके बाद बिहार में बाहर से आए करनी सेना के लोगों ने समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश की है। इसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, हम अपनी समस्याओं को हल करना जानते हैं। जिन लोगों ने बिहार में अराजकता फैलाई है उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे भी यह साफ कहा कि समाज को बांटने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, फिर चाहे वो करनी सेना हो, बजरंग दल हो या फिर कोई अन्य संगठन हो। कोरोना के कारण तेजस्वी की यात्रा पर लगी ब्रेक। कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद राज्य सरकार की परेशानियां बढ़ गई है। हालांकि कोरोना के कारण राजनीतिक गतिविधियों पर भी बंदिशें लगनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिलों का दौरा करने वाले थे, जो फिलहाल टल गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रखंडों में धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। राज्य के दोनों मुख्य विपक्षी दलों आरजेडी और कांग्रेस ने अपने जिला और प्रखंड कमेटियों को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किसी भी तरह के कार्यक्रम को अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही मधुबनी में हुए वाकये के बाद परिवार से मिलने गए तेजस्वी अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं पार्टी की गतिविधियां भी अब कम हो गई हैं।
केकेआर को मिली 100वीं जीत के लिए शाहरुख खान ने इन खिलाड़ियों को दिया श्रेय। आईपीएल के इतिहास में केकेआर को बीते दिन शानदार जीत मिली है, जिसके बाद केकेआर पहली टीम ऐसी बन गई है जिसने 100 या फिर इससे ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की है। रविवार को आईपीएल के 14वें सीजन के अपने ओपनिंग मैच में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 विकेट से हराया और शानदार तरीके से टूर्नामेंट का आगाज किया। इस जीत के बाद टीम के को ऑनर शाहरुख खान ने एक खास ट्वीट किया। किंग खान ने इस ट्वीट में 8 खिलाड़ियों का जिक्र किया था। उन्होंने इस जीत के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि आईपीएल में 100वीं जीत दर्ज करना अच्छा रहा। वेल डन बॉयज केकेआर, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल, आंद्रे रसेल, हरभजन सिंह, शाकिब अल हसन और पैट कमिंस। सच कहूं तो सबको खेलते देखना अच्छा लगा। सोनू सूद ने की 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जरूरतमंद लोगों की मदद करते नजर आते हैं। उन्होंने कोरोना के माहौल में लॉकडाउन के समय में पैदल चलकर घर जा रहे प्रवासियों को काफी ज्यादा मदद की थी और आज तक करते आ रहे हैं। इसी बीच सोनू सूद ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए छात्रों के हित में एक मांग की है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अपना वीडियो जारी करते हुए 2021 की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए सोनू सूद ने ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने की मांग की है। शेयर किए गए वीडियो में सोनू ने कहा कि हमारे देश के छात्र बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना के लगातार बढ़ रहे माहौल के बीच बिहार सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।